एक्टर अक्षय कुमार महावारी और महिलाओं की स्वच्छता जैसे विषयों को अपने फिल्मों में दिखा चुके हैं और अब उनका प्रयास समाज में मौजूद लैंगिक रूढ़ियों को खत्म करने की है और लैंगिक समानता की जरूरत पर जोर देने के लिए उन्होंने असल जिंदगी के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। हाल में अपनी आगामी फिल्म मिशन मंगल के प्रमोशनल इवेंट में अक्षय कुमार ने कहा, एक महिला जो अपने घर के हिसाब का ध्यान रखती है और देश के वित्त का भी प्रबंध करती है, पहले वो देश के रक्षा मंत्रालय में थी, बदलाव आ रहा है। वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात कर रहे थे जिन्होंने अब तक पुरुष प्रधान रही सरकार में प्रमुख पदों पर काम किया है। इस तरह से अक्षय की आगामी फिल्म मिशन मंगल में भी उन 5 महिला वैज्ञानिकों के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने मंगल पर उपग्रह भेजने के लिए जी तोड़ मेहनत की। फिल्म में विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और नित्या मेनन इन महिला वैज्ञानिकों के किरदार को निभाती दिखेंगी। हालांकि अक्षय इसे एक महिला केंद्रित फिल्म मानने को तैयार नहीं है। अक्षय का कहना है, जब कोई इसे महिला केंद्रित फिल्म कहता है तब मैं चढ़ जाता हूँ। महिला केंद्रित फिल्म से आपका क्या मतलब है? अगर हम सब बराबर हैं, तो महिला केंद्रित या पुरुष केंद्रित जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये बस एक फिल्म है। इस मौके पर अक्षय ने बच्चों को समान अवसर प्रदान करने की जरूरत पर भी बात की। अक्षय ने कहा, बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि जब कोई बच्ची वैज्ञानिक या इंजीनियर बनना चाहती है तो उसके माता पिता उसे यह कहकर हतोत्साहित करते हैं कि यह पुरुष प्रधान पेशी है, उन्हें डॉक्टर या नर्स बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे इतिहास की किताबों में भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के बारे में अधिक बताया गया है। मुझे लगता है कि इसे बदलने का वक्त आ चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जगन शक्ति द्वारा निर्देशित फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।